जय हिंद दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर स्टडी शुरू करेंगे। एंड ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा आपके जो पैसे हैं, किसी भी लेवल पे आप निवेश कीजिए, पैसे सबसे पहले सुरक्षित रहेंगे एंड आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो अगर आपने अभी तक शेयर बाज़ार में निवेश नहीं किया है, इन्वेस्ट नहीं किया है, तो सच कह रहा हूँ, जल्द से जल्द निवेश कर दीजिए। बिकॉज शेयर बाज़ार ही एक रास्ता है जहाँ पे आपको दूसरे एसेट क्लासेस, यानी कि दूसरी जगह जहाँ लोग निवेश करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया यानी सोना, या फिर कुछ लोग तो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी जगह पे जब आप इन्वेस्ट करोगे, उससे ज़्यादा रिटर्न्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको शेयर मार्केट में ही मिलेंगे। ऑल्सो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को अगर आपको बीट करना है तो शेयर बाज़ार ही एक रास्ता है। इन्फ्लेशन को ना मैं काबू कर सकता हूँ, आप भी काबू नहीं कर सकते, वो किसी के हाथ में नहीं है। और उसको बीट करना है तो आपको शेयर बाज़ार ही काम आएगा, उसी में निवेशित रहना है। ऑल्सो आपको आपके आसपास के लोग जिन्होंने पहले शेयर बाज़ार में काम किया है और वो सफल नहीं हुए हैं, उनसे भी सावधान रहना है। और उनसे इसलिए सावधान रहना है क्योंकि उन्होंने अपने जो पैसे हैं उन्होंने मार्केट में किस तरह से गंवाए हैं, और वो गंवाए हैं इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बिना रिसर्च, बिना स्टडी किए उन्होंने मार्केट में पैसे लगाए थे, या फिर किसी अपने मित्र के सुनने पे, जैसे जिसे हम टिप्स कहते हैं, इस तरह से उन्होंने काम किया होता है एंड बस अपने मेहनत की कमाई को वो लोग मार्केट में निवेश कर देते हैं एंड बिना सोचे समझे फिर हो जाता है नुकसान। आप खुद समझिए, अगर कल आपकी एग्ज़ाम है, अगर आप बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जाते हो तो निश्चित ही आप फेल होने वाले हो, जबकि आप स्टडी करके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे तो भले आप टॉप नहीं करोगे बट आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के साथ पास तो हो ही जाओगे। सो इस तरह से सोच समझ के साथ मार्केट में निवेश करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दो दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर स्टडी करना। सबसे पहला स्टॉक अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ भी कहते हैं उसे, लार्ज कैप का हिस्सा है, 30 नंबर पर रैंक करता है। फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। मार्केट कैप, फंडामेंटल्स का मतलब है नंबर्स को, हम हर एक नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप तकरीबन 1,47,000 करोड़ का, स्टॉक की PE 30, 52 वीक लो 300 रुपये और 52 वीक हाई 900 रुपये। क्वार्टरली नंबर्स को चेक करेंगे एंड ये क्वार्टरली नंबर्स कैसा होता है, हर तीन महीने में कंपनी अपने जो रिजल्ट्स होते हैं, कैसे परफॉर्मेंस रही है, वो नंबर्स के माध्यम से दिखाती है और यही वो है सब कुछ। एंड यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, और ये सारे नंबर जो है वो करोड़्स में है। और यहाँ पर हमें पिछले चार क्वार्टर के नंबर जो है उसे हमें चेक करना है। तो शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, जून 2020 में था तकरीबन 1400 करोड़, फिर सितंबर में हो गया 2300 करोड़, दिसंबर में 2700 करोड़ एंड मार्च 2021 में 2300 करोड़, मतलब थोड़ी सी गिरावट हुई दिसंबर 2020 के मुकाबले। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तकरीबन 940 करोड़ के आसपास जून में, डबल हो गया ऑलमोस्ट नंबर 1800 करोड़ सितंबर में, फिर और उछाल आई 2000 करोड़ का नंबर दिसंबर में एंड गिरावट 1540 करोड़ का नंबर मार्च 2021 में। आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट 758 करोड़ जून में, डबल का नंबर ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास सितंबर 2020 में, फिर 1561 दिसंबर में, हर क्वार्टर में बढ़ोतरी, यहाँ पर हल्की सी गिरावट हुई मार्च में 1288 का नंबर। आखिरी चीज़ EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, 4.25 की EPS जून में, तकरीबन 7 की EPS सितंबर में, 7.7 4.8 की EPS मतलब दिसंबर में, और फिर गिरावट 6.34 की मार्च 2021 में। नंबर में क्लियरली क्या देखने मिल रहा है, हर क्वार्टर में जून सितंबर दिसंबर में कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी बट मार्च में नंबर्स में थोड़ी गिरावट आई, बट ये जो गिरावट है एक बढ़िया मौका है स्टॉक को खरीदने का। आगे जाएंगे बैलेंस शीट में, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कर्ज है तकरीबन 34,835 करोड़ का और मार्केट कैप है 1,47,000 करोड़ का, मतलब 1,45,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। सामने 34,000 करोड़ का छोटा सा कर्ज है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, देखिए तकरीबन 75,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है और ये बढ़िया पॉजिटिव बात। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 63.74%, विदेशी संस्था है तकरीबन 18%, घरेलू संस्था है 15% के आसपास और गवर्नमेंट के पास 0.07 और पब्लिक के पास 3.46% ओनली। सो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है इस स्टॉक में। एंड अगर हम 20 सेकंड्स का एक क्विक समरी लेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में तो क्या जानने मिलता है, और ये जानने मिलता है कि कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 1,45,000 करोड़ का है। जून सितंबर दिसंबर पिछले साल हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था बट मार्च 2021 में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली नंबर में। कंपनी के ऊपर 34,000 करोड़ का कर्ज है एंड साथ ही तकरीबन 75,000 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स है। सो कर्ज की कोई चिंता नहीं है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स का बड़ा हिस्सा है मजबूत, तकरीबन 64% के आसपास, फिर विदेशी संस्थाएं 18%, घरेलू संस्थाएं 15% के आसपास, और पब्लिक के पास छोटा सा तकरीबन 3.5% से भी कम का हिस्सा है। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे और ये है चार्ट पैटर्न, ये हमने पिछली बार स्टडी की थी एंड स्टॉक जो है हमने क्लियरली देखने मिला था कि 760 के ऊपर तेज़ी बनती है, 840 को निकाल देगा एंड स्टॉक ने जो है उसको भी निकाला, 900 रुपये के आसपास स्टॉक चला गया। अब पिछले दिनों ना कुछ तो मतलब एक नेगेटिव माहौल बन गया था, कुछ खबरें चल रही थी एंड वो खबरों के दम पे स्टॉक वहाँ 900 रुपये से सीधा नीचे आ गया तकरीबन 650 रुपये के आसपास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी खबर आ जाए, गिरावट आ जाए ना उसके बदले, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी जो है पहले भी वही काम कर रही थी, कंपनी अभी भी वही काम कर रही है, ठीक है। इसमें बस आपको एक मौका ढूंढना है पैसे लगाने का या फिर निवेश करने का एंड अच्छे लेवल्स पे आपको स्टॉक मिलते हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपका फ़ायदा उठाना है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको पता करना है सबसे पहले कि कंपनी में हुआ क्या है, क्या फंडामेंटली कोई बड़ा चेंज आया है? नहीं, फंडामेंटली कंपनी में कोई चेंज नहीं आया, कंपनी अभी भी वही कर रही है जो कंपनी पहले कर रही थी, ओके। सो यहाँ पे फॉल आया एंड यहाँ पे एग्जैक्टली बाउंस लेने के बाद स्टॉक सीधा ऊपर चला गया एंड अभी स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए अभी स्टॉक क्या कर रहा है, पिछले दिनों थोड़ा सा नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने फिर से अपना एक सफ़र जो है ऊपर की तरफ शुरू किया, देखिए एक नया सफ़र शुरू किया ऊपर की तरफ, ओके। अब ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया है तो कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है जब जिसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो और तेज़ी बनेगी, और वो मैं आपको बता दूँ कौन सा है। यहाँ पे देखिए नीचे गिरा, गिरने के बाद बाउंस हुआ और ऊपर आने के बाद इस रेंज में हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक ने ये वाले दिन दी थी जो थी 22 जून 2021, और वो लेवल है 742.19। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल आपको दिखाता हूँ 742.19, ओके। एंड स्टॉक अब किस तरह से काम करेगा देख लीजिए, एग्जैक्टली स्टॉक जो है वहाँ पे अपने कर्व पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा इस तरह से। देखिए ये जो कर्व है इसका कलर मैं बदल देता हूँ थोड़ा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए ये एक ही पैरेलल चैनल में ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे कर्व पैटर्न जो है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। सो जो रेजिस्टेंस है उसकी भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे पहले 742.9 ये, ओके। इसके ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट इसके ऊपर जो है बंद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं लेवल यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, 742.9 एंड इसके ऊपर स्टॉक को बंद होना है, क्लोजिंग हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं एंड ये जो लेवल बता रहा हूँ ना मैं क्लोजिंग का, स्टॉक में जब तेज़ी बनती है ना इतना वॉलेटाइल होता है ये स्टॉक, ये लेवल निकालना स्टॉक के लिए लाइक यू नो एक दो सेशंस की बात है सिर्फ, ओके 742.9 एंड इसको अगर स्टॉक निकाल देगा तो किस रेंज में जाएगा, जिस रेंज में जाएगा वो है ये। सबसे पहले मैं आपके सामने बता देता हूँ, सबसे पहला जो लेवल है जिस रेंज में जा सकता है स्टॉक वो है 780 या फिर 810, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। इसको आप दो स्टॉप मान सकते हो या फिर दो टारगेट भी मान सकते हो स्टॉक के, ओके। ऑल्सो जो लोग एक दो दिन के लिए काम करते हैं, तीन चार दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का लेवल है उसको फॉलो करना है, उसके नीचे स्टॉक निकल जाए तो छोड़ देना है। जो पिछली बार का स्टॉप लॉस था 710 उसके आसपास का, ये 704 का ही है, ये सॉर्ट ऑफ ये जो छोटी सी रेंज बनाई है ना इसका लोअर एंड है ये, ठीक है 704 रुपये। अब फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, लंबी अवधि का नज़रिया है, किसी का निवेश करना है तो कौन से लेवल पे ये निवेश कर सकते हैं, और सबसे पहला लेवल गिरावट में जो देखने मिल सकता है वो है ये जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसके पास का ये 700 एंड 625। इस लेवल के आसपास मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं, मतलब ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप मतलब थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग करनी है तो इस रेंज के आसपास आप खरीदने का मन बना सकते हैं, ओके। नाउ दूसरे स्टॉक के ऊपर जाएंगे, उसके पहले एक अपडेट, और अपडेट है ये, अगर आप अपना डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रोकरेज आपको पे करनी है वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ओनली, वो ऑर्डर किसी भी वैल्यू का हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ की आपके अकाउंट में क्रेडिट मिल जाएगी, बैलेंस मिल जाएगी, और पहले महीने के लिए जो ऑर्डर्स का जो ब्रोकरेज आपको पे करना है वो है 0। ऑल्सो अकाउंट ओपनिंग जो है वो पूरी तरह से फ्री है। अभी हम जाएंगे दूसरे स्टॉक के ऊपर और वो है जैसे मैंने कहा इन्फोसिस, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, लार्ज कैप की कंपनी है एंड 5 नंबर पर रैंक करते हैं, जी हाँ टॉप 5 कंपनीज में से एक है। जल्दी से फंडामेंटल्स देख लेते हैं, मार्केट कैप तकरीबन 6,65,000 करोड़ के आसपास, स्टॉक की पी 35, 52-week low 770 और 52-week high तकरीबन 1600 के आसपास। क्वार्टरली नंबर्स चेक करेंगे एंड नंबर्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2020 में था 6,121 करोड़, फिर बढ़ता है 7,080,
फिर दिसंबर में और बढ़त 7,400 एंड मार्च में थोड़ी सी गिरावट 7,270। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,800 जून में, 6,750 सितंबर में, फिर 7,150 फिर से बढ़त दिसंबर में, एंड मार्च में गिरावट 6,935 करोड़। आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट 4,230 जून में, 4,840 सितंबर में, एंड फिर से बढ़त 5,200 के अराउंड दिसंबर में, एंड गिरावट 5,000 करोड़ का नंबर मार्च में। आखिरी चीज़ ईपीएस, अराउंड 10 की ईपीएस पोस्ट की थी जून में, फिर 11.5 के आसपास ईपीएस गई सितंबर, फिर 12.25 यानी कि 12.2 की ईपीएस दिसंबर में, एंड फिर से गिरावट छोटी सी 12 की ईपीएस मार्च 2021 में। आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट में क्या देखना है हमें, बोरिंग्स और कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर। कर्ज है 5,325 करोड़ का, ये कर्ज जो है कुछ भी नहीं है कंपनी के मार्केट कैप के सामने। आप देख लीजिए 6,65,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है उसके सामने छोटा सा 5,325 करोड़ का कर्ज। एंड कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, तगड़े एसेट्स देखिए 1,07,500 करोड़ के एसेट्स, बढ़िया बात। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स तकरीबन 13%, विदेशी संस्था है 32.67%, सबसे ज़्यादा उनके पास ही है। घरेलू संस्था है 23.1%, पब्लिक 30.92% और अदर्स के पास 0.36%। सो मेजॉरिटी होल्डिंग विदेशी संस्थाओं के हाथ में क्लियरली देखने मिल रही है। सो अगर हम 20 सेकंड्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे नंबर्स का यानी कि फंडामेंटल्स का, तो क्या देखने मिल रहा है, जून सितंबर दिसंबर पिछले साल कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, बट मार्च क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली नंबर्स में। कंपनी का मार्केट कैप 6,65,000 करोड़ के लगभग है, सामने छोटा सा 5,300 करोड़ का कर्ज है, ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी है। ऑल्सो 1,00,000 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स है। आगे बढ़ेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत, प्रमोटर्स 13%, विदेशी संस्थाएं तकरीबन 33%, घरेलू संस्थाएं 23% एंड पब्लिक के पास बढ़िया होल्डिंग तकरीबन 30-31% के आसपास। अभी हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे, और ये है चार्ट पैटर्न, ये पिछली बार हमने स्टडी की थी, आपको क्लियरली देखने मिल रहा था हर गिरावट पर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अपना एक नया रास्ता बनाते हुए जा रहा था, एंड जो टारगेट या फिर जो रेंज हमें देखने मिल रहा था स्टॉक उसको भी बीट करके अभी जो है स्टॉक उसके ऊपर सक्सेसफुली काम कर रहा है, सक्सेसफुली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं पिछले दिनों स्टॉक क्या कर रहा है। अभी देखिए अपना एक हाई लगा दिया स्टॉक ने पिछले दिनों, जी हाँ 1,590-91 का हाई लगा दिया 1,591 का, एंड यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है स्टॉक एक ही रेंज में भाग गया। देखिए यहाँ पे एक ही रेंज में काम कर रहा है, सॉर्ट ऑफ एक ही रेंज में फंस गया है। ऑल्सो मैं आपको बता दूँ आज के सेशन से Q1 के रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, आज TCS का रिजल्ट आने वाला है, एंड रिजल्ट्स आना मतलब शुरू हो जाएंगे, इन्फोसिस का भी रिजल्ट आएगा। सो IT कंपनियां आज से ही फोकस होंगे, क्योंकि IT कंपनी के दिग्गज यानी कि TCS आज अपना रिजल्ट पेश करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा, और अगर आपके IT स्टॉक्स में होल्डिंग है तो प्लीज़ पोजिशन चेक कर लीजिएगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आज या फिर आने वाले कुछ सेशंस में जब जब IT सेक्टर के रिजल्ट्स होंगे। नाउ स्टॉक को ऊपर की तरफ निकलना है तो सबसे पहले स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बना लिया है, वो है एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक ने यहाँ पे दी थी, वो थी 30 जून 2021, वो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी। इसके ऊपर स्टॉक को बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1580.8 की क्लोजिंग, यस इसके ऊपर स्टॉक का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1580.8 इसकी क्लोजिंग। नाउ इसके ऊपर जब स्टॉक बंद होगा, इस लेवल के ऊपर स्टॉक बंद होगा, तब किस रेंज में स्टॉक जा सकता है, इसी लेवल को मैं अपडेट करने वाला था पर वो मुझसे डिलीट हो गया गलती से। सो 1580.8 को निकाल देगा तो स्टॉक जा सकता है 1655 से लेके 1730, इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। एंड स्टॉक जो है फिर से एक बार बता दो आपको, ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम कर रहा है, जी हाँ 1655, 1655 से लेके 1730 यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। ऑल्सो जो लोग मतलब कुछ दिनों के लिए पोजीशंस बनाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन, स्टॉप लॉस का लेवल फॉलो कीजिएगा, इसके नीचे स्टॉक निकल जाता है तो प्लीज़ पोजीशन छोड़ दीजिएगा, बिकॉज गिरावट और बढ़ सकती है, नेगेटिविटी और बढ़ सकती है स्टॉक में। नेक्स्ट, जिनका लंबे अवधि का नज़रिया है, गिरावट की राह देख रहे हैं, गिरावट होगी तब निवेश करेंगे, तो जो लेवल बता रहा हूँ नोट कर लीजिए 1500 और 1430, ये निवेश के लिए काफ़ी बेहतरीन लेवल हो जाएंगे। एंड ऐसा भी नहीं कि IT स्टॉक जो होते हैं वो हमेशा ऊपर ही जाएंगे, मार्केट का अपना मूड होता है, सेक्टोरल चर्निंग होती है, कभी दूसरे स्टॉक्स चलते हैं कभी IT चलते हैं, इस तरह से धीरे धीरे करके वन बाय वन एक सेक्टर निकलता है, तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा अगर लंबे अवधि का निवेश करना है। बट हाँ, गिरावट धीरे धीरे करके आएगी, एंड जब गिरावट होती है तो प्लीज़ आप अपने लेवल्स को नोट करके रखिएगा, एंड उसके आसपास मिले तो प्लीज़ निवेश ज़रूर कीजिएगा अगर आपने निवेश करने का मन बना लिया है तो।
एंड ट्रेडिंग करनी है तो हमने ऑलरेडी रेंज की बात कर ली है, 1540 के नीचे निकल जाता है तो और गिरावट बढ़ सकती है, एंड ऊपर की तरफ 1580 के ऊपर ध्यान रखेगा, वहाँ के उसके ऊपर बंद होता है तो तेज़ी और बढ़ सकती है, 1655-1730 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। इसे आप दो स्टॉप्स भी कह सकते हैं या फिर दो टारगेट भी कह सकते हैं। सो दोस्तों ये था बेसिक सिंपल सरल सिंप्लीफाइड मैनर में एनालिसिस दो लार्ज कैप दिग्गज अदानी पोर्ट्स और इन्फोसिस के बारे में, जहाँ पे आपका जो निवेश है पैसा है बिल्कुल ही सुरक्षित है एंड चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। एंड ऑल्सो आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।